नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। चेन्नई और केकेआर के बीच आज चेन्नई के चेपक मैदान पर मैच खेला जाएगा। यहां पर आपको बता दें कि चेन्नई से जो खबर आ रही है कि वहां पर टॉस हो चुका है और एक बार फिर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीत लिया और उनका फैसला, आपको बता दें कि चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इसके पीछे का जो रीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि वो कल शाम को अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और वहां पर ओस पड़ी थी, यानी कि अगर कल पड़ी थी तो आज भी ओस पड़ने की संभावना है, तो ऐसे में रन को चेज करना यहां पर आसान हो जाता है। और आपको बता दें इसके साथ ही जो चेन्नई का मैदान है वो चेन्नई के लिए काफी लकी साबित हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट पे, क्योंकि यहाँ पर दो मुकाबले खेले, दो के दो इन्होंने जीते और इसके बाद जैसी अपने होम ग्राउंड से बाहर गए दो मुकाबले हार कर आ रहे। चेन्नई के लिए जीतना महत्वपूर्ण है इस मैच को। वहीं दूसरी तरफ केकेआर एक ऐसी टीम है जिसने अभी तक जो सबसे बेस्ट टीम का खिताब अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस वक्त पे केकेआर को दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी, उनके ऑलराउंडर सभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से खेल दिखा रहे हैं। तो दोनों के बीच एक बड़ा और कड़ा मुकाबला देखने को यहां पर मिलने की संभावना है। वहीं पर अगर चेन्नई की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो चेन्नई का जो पिछला मुकाबला हैदराबाद के साथ था उसमें चेन्नई को बहुत बड़ा झटका लगा था कि मुस्तफिजुर रहमान और जो लिटिल मलिंगा यानी कि पथिराना थे वो अनअवेलेबल थे। अब इस मैच में जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि मुस्तफिजुर रहमान वापस अवेलेबल हो गए, वो आज के मैच में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं पर पथिराना जो है वो पूरी तरीके से अभी फिट नहीं हुए तो वो बाहर हुए। पर एक और बड़ा झटका लगा है, वो लगा है एज यूजल जो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है दीपक चहर को थोड़ा बहुत निगल है जिसकी वजह से वो आज के मैच में अनअवेलेबल है और आज फिर से जो चेन्नई की टीम में है तीन बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जो बहुत कम होता है कि चेन्नई में लगातार बदलाव हो, पर आज भी तीन बदलाव है। दीपक चहर नहीं है तो उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर आए हैं, रिजवी की वापसी हुई है और साथ ही मुस्तफिजुर रहमान टीम में वापस आ चुके हैं। बाकी प्लेइंग 11 सेम वही रहेगी, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, रचिन रविंद्र होंगे, फिर उसके बाद आपके अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल और फिर उसके बाद आपके रविंद्र जडेजा, रिजवी, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान और थिक्षाना और मुकेश चौधरी। तो ऐसी ही आपकी गेंदबाजी यहां पर दिखेगी। वहीं पर केकेआर की बात की जाए प्लेइंग 11 की, उनकी प्लेइंग 11 सेम है और वो इसी टीम से मैच जीतते हुए आ रहे हैं। तो यानी कि चेन्नई के इस मैदान पर अगर देखा जाए केकेआर का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं रहा है यहाँ पर उनके जो रिकॉर्ड रहे, पर पिछली बार जब वो चेन्नई में आए थे तो उन्होंने चेन्नई को चेन्नई में हराया था और इस समय अगर फेवरेट पूछा जाए अभी के कंडीशंस के हिसाब से तो लोग अभी भी केकेआर को ज्यादा रेट करेंगे, ज्यादा चांसेस बताएंगे, पर चेन्नई को चेन्नई में कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले कहने को ये स्लोएस्ट पिच हो पर यहाँ पर आज आपको रन काफी अच्छे खासे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि चेन्नई में हमने दो मैच खेलते हुए देखा, दोनों में बैटिंग के लिहाज से पिच अच्छी लगी है, पर आज का मुकाबला देखने में बहुत ही मजा आने वाला, क्योंकि दो सबसे टॉप की टीमें MS धोनी की टीम, ऋतुराज गायकवाड़ वाली टीम और वहीं पर श्रेयस अय्यर की टीम से आप देखेंगे कि नारायण हो गए, रशल हो गए, रिंकू सिंह हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, वहां पर हर्षित राणा हो गए, तो यानी कि स्टार से भरी टीम के बीच आज एक बड़ा मुकाबला होगा। अब देखना होगा कि आज किसकी जीत होती है, किसकी हार, आपके हिसाब से आप अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं किसकी होगी जीत किसकी हार। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए।